का ब्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि तन्नू सोई हुई है, एक बज रहा है तो वो अभी तक उठी नहीं है। कल मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, आप लोगों ने लिखा था कि इसको मारा क्यों, तो इसीलिए इसको मार पड़ती है, ये उठती नहीं है। और क्या बोलूं? Everyone, how are you all? Hope you all are fine. This is Tanvi Sharma and welcome back to another video. तो आज मैं लेट उठी हूँ, जैसे कि आप दिख रहा होगा पीछे एक बज रहा और मैं अभी थोड़े टाइम पहले उठी हुई हूँ। और क्या करती यार, उठ के रात को नींद नहीं आती और सुबह जल्दी उठ के क्या ही करूँगी मैं, इसलिए मैंने सोचा आज तो नहीं मैं उठने वाली हूँ। अभी एक बज रहा तभी मैं उठ गई, कुछ जैसे देख रहे बस ब्रंच ही होगा अभी, मेरा ब्रेकफास्ट तो हो ही गया। मैंने बनाए हैं पनीर के परोंठे, तो चलिए वो खा और बन के भूख रहा, तो चलो मैं वो जाती हूँ खाने के लिए। और करते दिन की शुरुआत, दोपहर की शुरुआत माता रानी का नाम लेके, जय माता दी। और चलो किचन में, और मेरा चाय के बिना दिन नहीं निकलता, मेरी मम्मी ने दूध फाड़ दिया। बेशक मैंने कल के ब्लॉग में आप या परसों के ब्लॉग में तारीफ करी थी, आप पनीर बनाते हो उसका मतलब आज आपने दूध फाड़ देना पनीर बनाने के लिए। हो गया, मैं क्या करूँ, जान के फाड़ा इन्होंने। आपको पता है ना वो सीन जब मैंने इनको बोला था कि इनको पनीर बनाने आता है, तो आज ही आपने कला का प्रदर्शन करते हो, पनीर बनाना सिखाएंगे आपको। पनीर बनाना आपने उसको, चाय नहीं मिलेगी यार मेरे को। ये है मेरा ब्रंच, पनीर के परोंठे साथ में भरता, क्योंकि मैं बिना सब्जी के परोंठी कोई भी मैं नहीं खा सकती। मम्मा लेके आए हैं ये चिप्स और दूध का पैकेट। क्या हुआ, अभी पार्सल आया है, किसको हम खोलेंगे? ये मेड इन इंडिया है, ये इसका ब्रांड है। सुबह से चाय नहीं मिली हुई है और दूध भी आ गया, मम्मी ने फिर भी चाय नहीं दी। ये मैंने तो खा दिया इस आंटी ने मेरे को, देखो इस देखा मेरे को बोलते दूध, इन्होंने चाय बनाई और मेरे को नहीं दी, मेरे को नहीं दी। लगा रही है मेरी, इधर चाय पी मेरे को नहीं दी। आपको शर्म नहीं आता, हमने चाय बनाई मेरे को नहीं दी, पहले की चाय थी पापा ने पी थी पहले, तो जब उनके लिए बनाया था मेरे लिए नहीं बनाई यार, ये बोल दो थोड़ी है, ये पहले का दूध था। यही होता है, बना तो मुझे भी दे, आज चाय तन्नू बनाएगी और मुझे भी देगी। नहीं no. तो मेरे को आपसे एक बात शेयर करनी है कि मैं ना अपनी मम्मा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी, ठीक है, कल वो पूरा भी हो जाना था, बट आज कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से उनको पता चल गया कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। मेरा घर ऐसा जिसमें सरप्राइज वर्ड किसी को पता भी नहीं है कि होता भी है, और मम्मा खुद ही बोलने शुरू हो गई, ये है ये है ये है, और सब चौपट हो गया। तो सरप्राइज़ ये था कि मम्मी कब से बोल रही थी कि रेफ्रिजरेटर लेना, फिर मैंने सोचा कि मम्मा को मैं लेके देती हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब से इनकम आई हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं लेके दूँगी अपने पैसों से, जैसे आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी इनकम का मतलब आइडिया लग जाएगा कि इतनी आई हुई है, तभी मैं वो खरीद रही थी, बट प्लान चौपट हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सरप्राइज तो क्या वो लूँ अभी या नहीं लूँ, और मम्मी से मैं नाराज़ हूँ, कब से उनको बुला नहीं रही, और सुबह से मुझे चाय चाहिए थी, वो मुझे चाय दे के पी के, बट मैंने उनकी चाय नहीं पी, मैं मेरे को नहीं चाहिए चाय, रखो अपने पास ही अपनी चाय, एक सरप्राइज तो संभाला नहीं गया। इनको ये नहीं पता यार, बंदा नहीं बोल रहा इसका मतलब नहीं बोल रहा क्या, ऐसे पालतू का उज्जे लेने, बताओ 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 बताओ,
बताया भी नहीं, खुद ही बोल पड़े यही है ना, यही है ना, बस फिर खत्म। और आई फिर से आए थे करते चाय पी ले, सुबह से मांग रही है, मैं मैंने नहीं पीनी, रखो अपने पास ही अपनी चाय। आई भी बंदा बोलता मैंने तो चढ़ा दिया लेकिन चाय पीनी तो तेरे को पड़ेगी। आई फिर से आएंगे, मैंने क्या यार इनको, हाँ पता कितनी मेहनत कर रही थी पिछले 2 दिन से, अब पूछेंगे बाद में इनको कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ। पर इनका जवाब पता क्या आएगा, हर बार की तरह इनका जवाब नहीं निकलेगा, बस इनकी स्माइल निकलेगी। देखते हैं। और वैसे अभी तो शाम है और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैंने सोचा था आज मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट क्या करें मैं ब्लॉग डाले बिना रह नहीं सकती तो मैं डाल रही हूँ। और बाद में बात करती हूँ, ज़्यादा ही बोलती हूँ ना यार मैं। तो यार काली पड़ रही है, कुछ शर्म नहीं आया आपने बच्चे से ऐसे किया आपने, क्या क्या चाय नहीं यार, मैं सरप्राइज खराब किया, मुझे पता ही नहीं क्या। अच्छा नहीं करने चला गया, अब मैंने बोला अब मैं आपको नहीं देती मैं कुछ भी, आपने खराब कर दिया, अब क्यों रू मैं, अब बोले मेरे को पता ही नहीं क्या, कौन कोई पता नहीं कुछ नहीं पता, चला मैं नहीं दे रही अब तो करे जान के उज्जे लगते थे बेटा, चल गया बताओ। अब मैं उनको फोटो दिखाऊंगी ना उस फ्रिज के जो मैंने सेलेक्ट किया था, इनका मन ऐसे हो जाएगा ना क्यों बोला, रात को इनको नींद नहीं आने वाली है उस फ्रिज को देख के, क्योंकि मैं ना आज नहीं आएगी इनको नींद क्योंकि इतना मोटा माल इनके हाथ से चला गया है आज। और फिर से चाय बना रहे हैं, मेरे को बोलते मैं तो बना रही हूँ चाय, मैं तो दिल पिलानी है तेरे को, आगे देखो कोई चाय नहीं, अब भी पीबू को बेली होगी, मैंने नहीं पी, पूछ ले बड़ी माँ से, पूछ ले बड़ी माँ को, दादी ने दिखा रही क्योंकि उन्होंने मना कर दिया आने से, पता नहीं क्यों हंस रही है। अभी बज रहे हैं 6:30 और सुबह से मेरे को अभी चाय मिल गई है, इतने इसी दुख में मैं आज का टाइटल भी डालूंगी, मुझे पूरा दिन चाय नहीं मिली। वो तो फट गया, उसमें नींबू डाल के इसका पनीर बना, मेरी चाय मैं पीऊंगी, थोड़ा मन को शांति मिलेगी, थोड़ा लेट आई छत पे, वो बड़ी मम्मा आए थे ना तो बस गप्पे शप्पे चल रही थी, उन्होंने मैंने आज तक तंग किया कि चल छत पे, फिर मेरे को भी मैंने देखा मैं बाहर अंधेरा होने वाला है, मैं छत पे भी नहीं गई, बस अभी थोड़ी सैर कर रही हूँ फिर नीचे चली जाऊँगी, और ब्लॉग को एंड भी करना था तो सोचा कर लेते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।